दोस्तों भारत में पहला ड्रोन यही उड़ाया गया था और उस ड्रोन को उड़ते हुए देखा था प्रधानमंत्री जी ने। हम उसी क्षेत्र में आ गए हैं और आज फिर ड्रोन उड़ने वाला है। 1, 2, 3 लगभग 3-4 ड्रोन हम लोग उड़ा करके दिखाएंगे। यह है भारतीय कृषि संस्थान, यह पूसा, हम दिल्ली में इस समय है और इस ड्रोन को हम उड़ाने जा रहे हैं। यहाँ हमारे ड्रोन के वैज्ञानिक लोग भी हैं, कुछ शोधार्थी हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे। यह पूसा का क्षेत्र काफ़ी कृषि के मामले में उन्नतिशील है और खाद्यान्न के मामले में देश का सबसे बड़ा विशेषांक है। इस ड्रोन की क्या उपयोगिता है, कैसे उड़ता है, कितनी ऊंचाई तक जाता है, इसकी क्षमता क्या है और यह फोटो कैसे लेता है, इसका काम क्या है, दोस्तों आप इस बात को तो जानते ही हैं कि रक्षा के क्षेत्र में हमारी तीनों सेनाएं इससे समृद्ध रही हैं ड्रोन के क्षेत्र में, लेकिन अब कृषि के क्षेत्र में भी इसकी व्यापक उपयोगिता है। नमस्कार। नमस्ते सर, अपना परिचय बताएं एक बार। मैं रवि नारायण साहू हूँ, प्रधान वैज्ञानिक कृषि भौतिक संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक हैं रवि साहू साहब और इनके टीम के लोग हैं। यह ड्रोन यहीं बनाया गया है, ये ड्रोन असेंबल करके जी। तो इसमें कैमरा भी है, शक्तिशाली कैमरा है और कई सारे कैमरा लग सकती है, कई सारे तो वो कैमरा लगा सकते हैं। आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं सर? मैं उड़ीसा का। यहाँ उड़ीसा से लेकर के और कई प्रदेशों के लोग हैं, बिहार है, उड़ीसा है, और आप कहाँ के रहने वाले? बंगाल। वाह वाह, आप? तेलंगाना से। अब देखिए मजा आ रहा है। आप? मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से? तमिलनाडु से। एक लंबा क्षेत्र, आइए आपका भी। हाँ सर, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? अयोध्या से। बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं, आपके नेतृत्व में यह लोग काम करते हैं, शोधार्थी भी हैं और कुछ? यस जी। तो अब हम इसको, इसकी शुरुआत कराते हैं। एक जो आपने लिया है, इसको क्या बोलते हैं, रिमोट है? ये रिमोट कंट्रोलर है, हैंडहेल्ड ग्राउंड स्टेशन। हाँ, तो आप इसको अब प्रक्रिया शुरू करें और इसके बारे में। ये असेंबल आपने ही किया है? जी, ये सर के अंडर डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर फिजिक्स में डॉक्टर आर एन साहू के लैब में ये असेंबल किया है जी। और ये इसमें हम फील्ड के सर्वे कर सकते हैं। हाँ। और अराउंड 1.5 kg का पेलोड लेके 45 मिनट की उड़ान भर सकते हैं 20 किलोमीटर की रेंज में। 20 किलोमीटर की रेंज में 45 मिनट की उड़ान भर सकते हैं जी। ड्रोन बड़ा शक्तिशाली है और भी शक्तिशाली, बस ड्रोन पर बैठा नहीं जा सकता और सारी चीजें हैं। बैठा भी सकते हैं। चाइना में हो चुका है कई। अच्छा। सारे जगह में वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रही है, अमेज़न भी यूज करता है। अच्छा, यहाँ से वहाँ सामान लेने के लिए जी 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 जी। ड्रोन की बहुत उपकारिता है जी, कृषि के अलावा भी जी, जैसे मेडिकल इमरजेंसी में जी, एम्बुलेंस जैसे ड्रोन काम करता है। अच्छा, भारत ये दिल्ली में एक ड्रोन महोत्सव हुआ था, उसमें ये सारे ड्रोन थी जी। पेशेंट को भी उठा के लेता है जी, कहीं से भी पेशेंट को ले, रोड जरूरत तो नहीं है जी, छत पे उतरा और वहीं से ड्रोन उठा के ले गया। उठा के लेके हॉस्पिटल। ब्लड सैंपल चाहिए, इमीडिएटली ब्लड कहीं से कलेक्ट करके लानी है, वो भी ड्रोन देता है। अमेजन भी डिलीवरी करना शुरू कर चुका है ड्रोन में जी। तो सर इसको हम शुरुआत करते हैं और इसे उड़ाते हैं। हाँ जी, थोड़ा पीछे हो जाए जी। सर पीछे हो जाइए थोड़ा सा।
हम रवि सर से बात भी करते रहते हैं इस बीच। यह ड्रोन काफ़ी आगे तक गया है सर, इसकी कितने हाइट तक यह जा सकता है? एक्चुअली भारत सरकार की नीतियों नियम अनुसार 400 फीट से ऊपर हम उड़ा ही नहीं सकते। अच्छा, और हमारे पर्पस है कि फोटोग्राफी करना जी, इमेज कैप्चर करना जी, और जितना नीचे रह के इमेज ले पाए इतना रिजोल्यूशन में अच्छी इमेज आ पाए, फोटो आ पाए जी, ताकि हम पौधे का कोई दिक्कत है पत्ते को लेवल तक हम देखने के लिए प्रयास करेंगे जी। तो हम रिसर्च करते हैं, इसलिए मोस्टली हमने 20 से 30 मीटर ऊपर से हम उड़ाते हैं। सर एक चीज़ मैं अभी, जैसे कुछ पक्षियाँ उसके नज़दीक थीं, तो कभी यह भी हो सकता है क्या कि पक्षियों से इसकी टकराहट हो जाए? सबसे डेंजरस चीज़ है जी, जब छोटे छोटे ड्रोन हम उड़ाते हैं जी, वो मानते हैं कि शायद ये कोई दूसरा कोई पक्षी आ गया। अच्छा, लेकिन उसकी आवाज़ से डर में पास में नहीं आते, बट कई बार क्या होता है कि पास में आ जाएंगे तो उनको तो नुकसान होगा, सेम टाइम हमारे जो उसकी प्रोपेलर है उसमें डैमेज हो के ड्रोन को भी डैमेज हो सकती है जी, 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 जी। तो इसलिए कई सर है उसमें एक अल्ट्रासोनिक सिग्नल होती है जी, जो हम डाल सकते हैं तो पक्षी पास में ना आए। अच्छा। और हमारे जब बड़े ड्रोन उड़ता है जी, चाहे जितने बड़े पक्षी है वो नहीं आता है, वो नहीं डर के नहीं आता, लेकिन छोटे में कई बार अटैक करने की कोशिश करते हैं जी, मोस्टली वो जो ईगल होते हैं। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ बहुत सारे ईगल है, तो ईगल तो बहुत बहुत बहुत, चील यहाँ बहुत है और चील से ही इसको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसकी आवाज से और इसके जो वो है पंख है तो उसके सनसनाहट और उसका जो हवा है तो उसके वजह से भी नज़दीक नहीं आ पाएंगे, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है। हम बढ़ते हैं फसलों की तरफ, और यह पूरा सेटेलाइट सिस्टम है तो उसके माध्यम से इसे आप देखते हैं। 45 मिनट तक यह उड़ान भर सकता है, तो इसे आप फोटो लेंगे सर, क्रॉप की नमी और क्या क्या देखेंगे? हम इसकी क्रॉप की हम देखना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य कैसा है जी, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं आपकी फोटो खींची जाती है, उसी से डॉक्टर बोलता है कि आपको क्या दिक्कत है। जैसा तो, जैसा सर चील मंडरा रहा है तो चील वाच कर रहा है कि यह क्या है, कोई और उड़न पक्षी है उड़ने वाला या फिर कोई हमारा शत्रु है, क्या है? तो इसमें क्या है कि फोटो लेता है, इसमें अभी जो कैमरा लगी हुई है वो थर्मल कैमरा लगी हुई है जी, एंड उसमें क्या है कि कैनोपी का जो पौधे की टेम्परेचर मापता, तापमान मापता जी, और तापमान से क्या पता चलता है कि एक तो पौधे में कहीं पानी की तो कमी नहीं है जी, वो देख सकता है, और अभी जो हीट टॉलरेंस की बात हो रही थी जब गर्मी पड़ गई जी, तो कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं सूखने शुरू तो नहीं हो रही है जी, जी, और जी, जी। कहीं पानी की ज़रूरत तो है, उसी ये कैमरे से हम बता सकते हैं कि कहाँ पर पानी की ज़रूरत है कहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं है जी। और ये फोटो लेने के बाद हमारे पास, हमने इन हाउस हमारे स्टूडेंट ने और छात्रों ने सब बना रखा है, हमने पाइपलाइन, तो बता देगा कहाँ पे पानी की ज़रूरत है कहाँ पे ज़रूरत नहीं है जी। तो ये कैमरा का महत्व ये है, ऐसे ही बहुत सारे कैमरा रखी है जी। हमने RGB कैमरा जो आपकी फोटोग्राफी करते जी, और मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा एक बार और नीचे करके इसकी अभी नीचे नहीं, अभी क्या मिशन प्लानिंग में है। अच्छा, अभी मिशन में है। क्या है कि मिशन ऑटोमेटिक मोड में है ये। अच्छा, जैसे ऑटोमेटिक मोड में ये उड़ता रहेगा ताकि ये पर्पज़ क्या है फोटोग्राफी करने में जी, हाथ थोड़ी बहुत इधर हिल जाएगी तो फोटो सही नहीं होगी जी। इसमें क्या होता है कि ये सारे फोटो ऐसे फ्रेम वाइज लेता है जी, उसको फाइनली स्टिच करा जाता है जी, और थोड़ी ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने क्या कर रखा है उसके ऑटोमेशन मोड में डाल रखा है। ये जो हो रहा है सब ऑटोमेटिक हो रहा है जी, हम ऑटोमेशन मिशन प्लानिंग करके छोड़ दिया, वो अपने आप डाटा लेता रहेगा और फिर अपने आप लैंड करेगा, जहाँ से उड़ा था वहीं लैंड करेगा, कहीं और नहीं जाएगा। अच्छा, बीच में आप लैंड करा सकते हैं? हाँ, बीच में टेक ओवर कि 45 मिनट उड़ाएंगे? नहीं नहीं, 45 मिनट नहीं उड़ाएंगे, हम लैंड करा सकते हैं जी, करेंगे 9 मिनट। तो आप धीरे धीरे अभी इसको लैंड कराइए और अगले ड्रोन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। और उसको चाहिए तो हम नीचे भी कर सकते हैं। अच्छा सर, यह जो टोटो है जिस पर यह है इसका क्या है? उसमें अभी आते हैं, पहले ये अच्छा हो जाए तो फिर मैं उसमें बताता हूँ जी। यह गेहूं अब तो अंतिम कगार पर है। हाँ जी, कुछ दिन में पक जाएगा। तो अभी तो इसके फोटो की बात है नहीं कि अभी भी नमी इसकी देखी जाएगी? नहीं, अभी ज़रूरत होती है, कभी इरिगेशन की ज़रूरत होगा, एक तो एक साथ तो देना पड़ेगा जी। इसमें कई सारी चीज़ें होती कि, और आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें ना जी, तो अभी क्या करते, सपोज ये गेहूं पौधे में कितने ये है पानिकल्स है, ईयर्स है जी, वो काउंट फिजिकली आप करते हैं तो कौन सी पौधे में कौन से जेनोटाइप में वेराइटी में ज़्यादा है कौन सा कम है, वही पैदावार ज़्यादा दिखाएगा जी। उसी को क्या करते हैं हम फोटोग्राफी करके इस का काउंट हो जाती है, ऑटोमेटिकली काउंट हो जाती है जी, जी। ऊपर से जी। आपको काउंट करने की जरूरत तो नहीं है जी। ये है टेक्निक।
उसी पर्पज़ के लिए भी हम यूज़ करना चाहेंगे जी। तो दोस्तों आपने देखा कृषि के क्षेत्र में इसकी बड़ी प्रासंगिकता है और ड्रोन से नमी। हाँ आप जो आप इसको ले आओ धीरे धीरे। हाँ देखिए, अच्छा हम बात भी करते हैं सर इसके लिए कैसी जगह से उड़ाना ठीक रहता है, जैसे कोई ठोस जगह। हाँ एक्चुअली ये प्लेन एरिया होना चाहिए जी, और थोड़ा सा मिट्टी नीचे ना हो, क्योंकि क्या होता है जब फैन घूमता है जी उसमें डस्ट बहुत सारा आ सकता है, वो सेंसर में लग सकती है, सेंसर को अच्छी फोटोग्राफी ना हो पाए और कई बार डैमेज होने की चांस होती है कि डस्ट उसमें जाए जी। और नहीं है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सा सीट होती है जी, वो सीट नीचे बिछा देते हैं और बिछा के उसके ऊपर उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये स्थान है तो यहाँ सीट हम बिछा देंगे और उस पर ड्रोन को रख देंगे और यहीं से उड़ा लेंगे, यहीं से भी उड़ा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है जी, लेकिन इसमें डस्ट आ सकती है। अच्छा ये ड्रोन में जो है जी एक सेंसर है जी, ऐसे ही बहुत सारे सेंसर हमारे पास है जी, पर्पस क्या है वो पता चले तो हो जाए। जैसे शादी विवाह में जी क्या होती है, आप जो फोटोग्राफी करते हैं वो सिंपली RGB सेंसर लग रही है जी जी, उसमें फोटोग्राफी हो जाती है जी, लेकिन इसमें वही RGB के अलावा भी जो अपने आँख में नहीं दिखेगी जी वो टाइप का सेंसर है जो आप पौधे को देख के आप बता देगा कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है, कहीं पे कीड़े लगी है, क्या लगे, वो सेंसर है जी। तो हमारे पास सबसे लो कॉस्ट सेंसर है जो 15-50 हज़ार में आता है। अच्छा। और वो सेंसर है जो 60-70 लाख में आता है जी, जी तो ये जी। सेंसर जैसे आपका पेट स्कैनर है हॉस्पिटल में जी, ये सेंसर ऐसे ही है। अच्छा, तो ये सेंसर में क्या करता है, जैसे MRI करते हैं डिटेल सब आ जाता है जी, एक्सरे में डिटेल नहीं आता, MRI में ऐसे ही वो सेंसर सब ऐसे ही है। अब देखिए ड्रोन को केंद्रित कर दिया गया और फिर यह जहां पे उड़ा सड़क पर जहां से उड़ा था उसी स्थान पर यह आ रहा है। तो दोस्तों यह रहा लगभग 8 लाख का यह ड्रोन है, असेंबल करके यही बनाया गया है। ड्रोन जो है 80 से लेके 2 लाख तक, सेंसर जो लग रही है 6 लाख का सेंसर है और वो सेंसर हटा देंगे तो 2 लाख कोई भी सेंसर लगा सकते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये IRE का बना हुआ सेंसर, आप देखिए IRE लिखा हुआ है जी जी जी, और बहुत सारे पार्ट्स लेकर हम यहाँ असेंबली करके ये उड़ाते हैं और 45 मिनट्स तक ये ऊपर उड़ता है और 1 kg तक सेंसर ले सकता है। अच्छा 1 kg तक ले सकता है। धन्यवाद दोस्तों, अब हम दूसरे ड्रोन के तरफ चलते हैं और जो बड़ी क्षमता का है उसे दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ और रवि सर आज पूरा बताएंगे और इनकी टीम के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं।